हाय हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? चलिए अनम्यूट होने की परमिशन देते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जहां पे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो एक बार मैं फाइल खोल लेता हूँ। लास्ट अपना यहाँ पे था यार, हमने बात किया था एंगल बिटवीन। तो उससे पहले हमने ये देखा था स्ट्रेट लाइन 3D में हमने बात करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमने बात किया था एंगल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां से आगे मुझे कंटिन्यू करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो नेक्स्ट लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में भी। अभी जो प्रिंटेड टाइप नोट्स आप देखते हो जो स्लाइड्स वाला, वो मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपको इसके बेसिक समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल हर एक चीज आपको पहले से पता होगी, तब उसे करेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point of a point from a line of a point from a line। ठीक है, perpendicular distance of a point from a line। तो ये क्या बात कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो दो फॉर्म रहती है इसकी भी, वो संभालेंगे हम लोग पहले क्या क्या होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये आ गया है, ये पॉइंट है अपने पास में। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, पॉइंट आपके पास में कितना है? अब यार ये हो गया, नेक्स्ट हमारे पास लाइन हो गई। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे, और अगर मैं बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? दूसरी, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो इसमें सबसे पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो दो तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। पहला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है बेटे, कि आपके पास में क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दूसरा इसमें पॉइंट होता है इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो हम इमेज ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, हम ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखेंगे, इमेज ऑफ अ पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहला पार्ट है, उसके बाद इसके डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। बड़ी जल्दी ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरे पास में x1, y1, z1। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन मेरे पास दे रखी है, x - x2 / a = y - y2 / b = z - z2 / c। तो पहली चीज में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके बाद में आपको एकदम आसान लगने लगेगा सब कुछ, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक बात बताइए, याद रखिएगा 2D में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो मैंने पहले पढ़ाया होगा, जो लोग यहां से पढ़े हैं पहले, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। प्लस इमेज निकालने का भी वहां कॉन्सेप्ट अलग चलता है, यहां कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है। ये मेरे पास गिवन लाइन है, तो मैं इसे लिख रहा हूं गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है, ये गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट हो गया आपके गिवन पॉइंट। तो हम पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे, फिर इमेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये आपके पास है ए, मैंने इसे क्या कर दिया, किसके बराबर कर दिया बेटा, लैम्डा। ध्यान से देखना मैं क्या प्रोसेस अप्लाई करने जा रहा हूं। मैंने जैसे इसे लैम्डा के बराबर किया, लैम्डा के बराबर करने से एक्स मेरा कितना आ गया, मैं इसे कंपेयर करूंगा तो ये आ जाएगा x2 + a (λ). y कितना आ गया मेरे पास में, ये आ जाएगा y2 + b (λ) कितना हो गया लैम्डा। z मेरे पास कितना हो गया, z2 + c (λ) कितना आ गया मेरे पास में, लैम्डा आ गया। भाई बताओ एक्स वाई जेड ये क्या देगा इस लाइन पे, ये जो लाइन सेगमेंट है आपके पास में, इस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट तो दे ही देगा ये,
है ना, इस लाइन पे आप लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट अचीव करोगे ना। मान ले आपने लैम्डा की वैल्यू को कर दिया जीरो, तो एक्स टू वाई टू जेड टू मान लेते वो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया कुछ, मान लेते वन सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लेते उससे ये पॉइंट मिला, फिर कुछ सब्स्टिट्यूट किया मान लेते ये पॉइंट मिला, फिर कुछ सब्स्टिट्यूट किया मान लेते ये पॉइंट मिला। तो इस तरीके से इस पूरी लाइन पे आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो, ये आपके पास में ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट क्या होगा, लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए आपको ये पॉइंट भी मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। देखो लैम्डा क्या है, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे को एक्स वाई जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, और एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको इस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन या पोजीशन ऑफ पॉइंट बताएगा। अब लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो मुझे ये पॉइंट भी मिलेगा ना। इसका मतलब जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखे जाएं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो कि आ गए हैं कितने के बराबर, जो भी पॉइंट मैंने यहां पे कंसीडर किया है उसके बराबर, तो मैं लिख सकता हूं आपके पास एक्स टू प्लस ए लैम्डा कॉमा वाई टू प्लस बी लैम्डा कॉमा जेड टू प्लस सी लैम्डा, ये मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। लैम्डा गिवन नहीं है, यही तो निकाल रहे आदि, लैम्डा ही तो निकालना है इसमें। अगर लैम्डा आ जाएगा तो काम ही बन गया ना, लैम्डा की वैल्यू अचीव हो जाएगी, जैसे यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं है तो अगला वाला काम बहुत ही आसान है। ध्यान से देखो, किसी को दिक्कत है नहीं, तो देखो P से लेके A के बीच में ये मेरे पास एक तरीके से एक लाइन ही तो है, ये भी एक वेक्टर ही तो है ये भी, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि इस PA वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस निकाले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोस निकाले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। लाइन के डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगे, जो भी इसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस हैं दैट इज ए बी सी, और इनके डायरेक्शन रेशियोस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये पी ए और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें क्या निकालना है, डी आर ऑफ पी ए लाइन सेगमेंट पी ए वो कितने के बराबर हो जाएंगे बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस ए लैम्डा y2 minus y1 plus b lambda and z2 यहां पे कितना हो जाएगा, z2 minus z1 plus c lambda। direction ratios of line वो कितना हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा a comma b comma c, क्योंकि उसके direction ratios उसके parallel vector से लिए जाएंगे a b c, और इसके डायरेक्शन रेशियोस इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, दोनों का क्या ले लिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीआर ऑफ पी ए एंड डीआर ऑफ The given line would be equal to zero. Is equal to zero. ठीक है, बस इतना सा काम कर दो। नहीं चिराग, ऐसा क्यों है, P के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 लिखे हैं, वो x2, y2, z2 होने चाहिए शायद, कुछ नहीं सर समझ आए। नहीं लड़के, वो तो मेरे पे डिपेंड करता है ना कि लाइन कहां से पास करा रहा हूं, लाइन में पास करा रहा हूं मान लेते x2 y2 z2 से, ये पॉइंट x1 y1 z1 ले लिया मैंने। ठीक है, हो सकता है इसे x2 y2 z2 ले ले, x1 y1 z1। ठीक है चिराग, दूसरा drs क्या होते हैं बेटा, वेक्टर के कंपोनेंट्स ही तो dr होते हैं लड़के, है ना। हां आदि, अगर दो वेक्टर मेरे पास दे रखे हैं, ये एक वेक्टर है मेरे पास मान लेते हैं a वेक्टर लिखा हुआ है i plus 2j प्लस थ्री के, इसके drs क्या हो जाएंगे, इसके dr हो जाएंगे drs डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, कितना हो जाएगा आपके पास में बताओ, 1, 2, 3
ठीक है। तो अगर कोई दूसरा वेक्टर b ले रखा है तो b कितना है, मान लेते हैं आपके पास में माइनस थ्री आए प्लस टू जे, इतना ही दे रखा है ये, तो इसके drs कितने हो जाएंगे, drs ऑफ वेक्टर b कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस थ्री कॉमा टू कॉमा जीरो। अगर इन दोनों के सब्सट्रैक्शन, मतलब अगर ये a पॉइंट रिप्रेजेंट करता होता, ये b पॉइंट रिप्रेजेंट करता होता, तो ए बी वेक्टर के डीआर क्या हो जाते, इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट मार देते यार। ये तो निकालना सीखा है, कंपोनेंट तो निकाल रहे आदि, एक तरीके से नहीं समझ में आया क्या सर? ये तो आता था वो, बस वो आप op वेक्टर निकाल रहे हो ना, वो जो नीचे वेक्टर निकाल रहे हो ना, pa वेक्टर मतलब, मतलब हाँ सर, हाँ वेक्टर निकाल रहे हो ना आप। अरे एपी बोल दो तुम, ये बोलना हाँ। चाहते हो एपी बोलो इसको, वो एक ही बात है यार, वो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा लड़के, एपी लिख लो पीए लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है सर? ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो पे कंसेंट्रेशन है अभी, जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका, यहां से आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आएगी, आप उस लैम्डा वेक्टर में इसको निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी अभी निकाल के दिखाऊंगा। जैसे ही तुम लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, लैम्डा की वैल्यू को उठा के कहां पे डाल देना बेटा, यहां पे डाल देना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जैसे ही लैम्डा आ जाएगा x1 y1 z1, ये आ गया तुम्हारे पास x2 plus ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दोनों के बीच की क्या निकाल लोगे तुम, लेंथ निकाल लोगे, तो लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकाल रहे थे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास निकल के आ जाएगा कहां से, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही, तो by substituting the value of lambda, we can get the foot of perpendicular. तो बताइए, अगर यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है, तो please बताइए, मैं इसे vector form से और बताऊंगा, फिर एक question को solve करेंगे, वहाँ से आपको इसका idea लग जाएगा, बताइए। अगर इस पूरे process में किसी को कोई दिक्कत है, मैं एक बार वापस explain कर देता हूँ, बेटा ध्यान से देखो, ये मेरे पास given line है, ये point है, मैंने इसे lambda के बराबर किया, यहाँ से general point निकाला, ये general point कहलाता है। अब किसी ना किसी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए जनरल पॉइंट ये पॉइंट भी बनेगा, बस वही हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये पी ए वेक्टर आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो पी ए आपने निकाल लिया, ठीक है, या एपी वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया, और ये इसके डीआर आपके पास आ गए, ये डीआर आ गए, और ये जो लाइन है इसके डीआर कौन है, ए बी सी, मतलब पैरेलल वेक्टर के डीआर इसके डीआर है, दोनों का आप निकाल लीजिए डॉट प्रोडक्ट, उसे जीरो कर लीजिए, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तरुण हम यहां पे, तो वहां से मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, तरुण मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो लेंथ कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्या? अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, x1 y1 z1 अगर मेरे पास a पॉइंट है 3D में, b पॉइंट है मेरे पास में x2 y2 z2, तो बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली जाएगी, a b के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी रूट ओवर x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, इस तरीके से इसका स्क्वायर कर देंगे। आइए वेक्टर फॉर्म पे बात करते हैं, एक बार वेक्टर फॉर्म आपको बहुत पसंद आएगी, वेक्टर फॉर्म से सीधा फॉर्म निकल जाएगा, आपको काफी ज्यादा आसान लगेगा, लेकिन कार्टेशियन वाला क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है, तो वो भी काम है, प्लेन के केस में बनता है, इसके केस में डायरेक्ट नहीं बनता, वेक्टर फॉर्म से आपको ये आसान लगेगा, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये भी आ जाएगा। हाँ, वेक्टर ये पी ए वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है, पी ए वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको लड़के ये तो चाहिए, पी ए वेक्टर तो चाहिए ना, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू तो चाहिए ना तुमको आदि, अगर वेक्टर तुमको लैम्डा की वैल्यू ही नहीं मिली तो फिर क्या करोगे तुम, है ना, फिर कैसे निकालेंगे, नहीं समझे? हाँ बताइए तरुण, आ गया समझ में डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? तरुण चलिए अब आ जाते हैं इसके वेक्टर फॉर्म पे, तो आइए वेक्टर मेथड पे बात करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वेक्टर फॉर्म ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आई, ये फिर से मेरे पास एक गिवन लाइन है, ये गिवन पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये गिवन लाइन है, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर आपको ज्यादा तेजी से समझ में आ सकता है, तो ये r is equals to a plus lambda b, ये मेरा वेक्टर है, ये c वेक्टर है मेरे पास में, तो इस पॉइंट को बोल दिया जाए, ये p पॉइंट लिया था ना लास्ट, तो इसे p ले लेते हैं, तो
तो ये हो गया P, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है C, ये आपके पास में A पॉइंट हो गया, मुझे ये A पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये मेरे पास गिवन लाइन है यार, तो ये मेरे पास कैसी हो गई, गिवन लाइन हो गई, ठीक है, ये मेरे पास गिवन लाइन हो गई, ये मेरे पास गिवन पॉइंट हो गया, ठीक है, तो गिवन लाइन आ गई, गिवन पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं भव्य, समझ आ जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ आ जाएगा, फॉर्म समझो पहले, ठीक है, बताओ ये R है A प्लस लैम्डा B, ये मेरे पास है लाइन, तो बेटा R जनरल पॉइंट ही तो होता है, तो R ही तो जनरल पॉइंट है जिसके लिए आप X I प्लस Y J प्लस Z के लिखते हो, तो इसका मतलब लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलेगा, जीरो डालेंगे तो मान लेते ए मिल गया, वन डालेंगे तो ये मिल गया, टू डालेंगे तो ये मिल गया, मतलब किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये पॉइंट कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे काम बन जाएगा, तो पॉइंट वेक्टर के केस में इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कितने हो जाएंगे, ए प्लस लैम्डा भी, बस लैम्डा की वैल्यू ही तो पता होनी चाहिए, तो बात समझ में आई, जिसको बोलना है प्लीज अनम्यूट करके बोलिए यार, क्योंकि बार बार मुझे अनम्यूट करके बोलो, हाँ भव्य बोलो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, पिछले पिछले में डॉट जीरो करके लैम्डा आया था, हाँ सर इसी को और उसी में पुट कर देना फिर, ना 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 ना, यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू मुझे पता नहीं थी ना, वही तो चल रहे थे, हाँ सर वही तो यही मैं बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई तो वैल्यू ऑफ लैम्डा होगा जिसके लिए ये पॉइंट इसे रिप्रेजेंट करेगा, वही तो मैं निकालना चाहता हूँ ना, हाँ सर, इसे मैं जनरल पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, लैम्डा नहीं पता तो जनरल पॉइंट हो गए नहीं, ठीक है सर, ठीक है, अब तो सीधा काम है, drs ऑफ pa निकाल दो, drs ऑफ ये ap वेक्टर निकाल दो, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो किसके साथ में, drs ऑफ कौन सा वेक्टर, गिवन लाइन, गिवन लाइन उसको कितने के बराबर कर दो, अच्छा सर ठीक है समझ आ गया, प्रोडक्ट तो जीरो के बराबर है ना, तो इसके हाँ सर, इसका जीरो क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट देगा तो जीरो के बराबर करेंगे वेक्टर, हाँ सर पता है, तो ये कितना आ जाएगा इसका dr, a प्लस लैम्डा b माइनस c हो जाएगा, ये a प्लस लैम्डा b माइनस c वेक्टर हो जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकाला जा रहा है इसका, अच्छा लाइन के dr किसके लिए, किसके dr के बराबर होंगे, पैरेलल वेक्टर के, सही बात नहीं है क्या, Yes, यही तो बताया है कि लाइन के केस में पैरेलल वेक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो जो पैरेलल वेक्टर के डीआर रहेंगे वही लाइन के भी डीआर रहेंगे, तो बस डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर कर दीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए, इसे सॉल्व करके देखो मैं लैम्डा की वैल्यू ऐसे निकालूंगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट बी, मतलब मॉड बी उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो गया सी डॉट बी हो गया, इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो ये इधर जाएगा तो ए माइ ए डॉट बी, फिर ये इधर आएगा माइनस सॉरी सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, ये मैग्नीट्यूड करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, देखो लैम्डा कितने प्यार से आ गया इसके केस में, जैसे ही लैम्डा आया तुम्हारे पास लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी उसे उठा के तुम यहाँ पे डाल देना, ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट निकाल के तुम ये एपी वेक्टर निकाल के उसका मैग्नेट ये ए पॉइंट आ जाएगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया एपी वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, सारा काम हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है सर समझ आ गया है ना, यस सर, सेम ही है बस ये वेक्टर फॉर्म है उसके, वो कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, तो एक बार आपके पास में क्या निकल के आया लैम्डा, लैम्डा उठा के सब्स्टिट्यूट करो काम हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत है शुरू से लेके एंड तक किसी को भी किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए, नहीं तो एक क्वेश्चन देंगे फिर इमेज वाले पार्ट पे काम करेंगे और इमेज का देखते हैं क्या हिसाब बनता है, जल्दी बताइए, डन है यहां तक, वेक्टर फॉर्म ज्यादा इजी कार्टेशियन वाला, यार मतलब मुझे तो दोनों ही ठीक लगते हैं, लेकिन हाँ वेक्टर फॉर्म मतलब लोगों को थोड़ा इजी लगता है, हाँ सर, लेकिन कई जगह ऐसा हो ना वेक्टर फॉर्म में प्रोसेस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसमें रटने इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला में याद करने से मना करूंगा आपको, नहीं नहीं सर वही प्रोसेस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है ठीक है।
है क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन दूंगा यार आपको, हो गया डन। ये वाला केस भी एकदम समझ में आ गया। अब किसी को कोई डाउट बचा है प्लीज पूछ लो, अभी खत्म कर लो यार, ऐसा नहीं हो आप डाउट में पड़े हो, डाउट से काम नहीं चलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बची है सर? ये एबी क्या है? एपी एबी 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 कौन सी लाइन है? कहाँ दे रहा है? अपनी एबी लाइन। हाँ ये एबी वेक्टर लिख रखा है ना अपने साइड में, ये एपी लिखना है। कौन सा? मैं समझ नहीं पा रहा है, एक सेकंड। फॉर्मूला बताया आपने? हाँ अच्छा, ये तो फॉर्मूला ही है, तो किसी ने पूछा था ना दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे? अच्छा मुझे लगा इसके साथ है ना? नहीं नहीं, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। डन है, बड़े आगे फिगर में भी नीचे वाली लाइन के एक लाइन पैरेलल है। कौन सा? तुम इसकी बात कर रहे हो, कार्टेशियन की बात कर रहे हो चिराग? कार्टेशियन की बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? कार्टेशियन में भी देखो ना, ए बी सी पैरेलल लाइन के ही तो है लड़के, हमेशा ही होती है। जब भी तुम लाइन की बात करोगे 3D में, मतलब तुम उसी की बात कर रहे हो। हाँ इस फिगर की ना, तो इसमें इस लाइन के पैरेलल है बेटा, एक लाइन हमेशा ही रहेगी, उसमें तुम मना कर ही नहीं सकते। ये यही है, उसी के कोऑर्डिनेट है ये, मतलब उसी के डायरेक्शन रेशियोस है ए बी सी। बढ़ू आगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, जल्दी लिखते जाओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। Drawn from the point A 103 to the join of the point, join of the point मतलब वो लाइन की ही बात कर रहा है। आपके पास में B पॉइंट दे रखा है 471 एंड C पॉइंट दे रखा है आपका, C पॉइंट दे रखा है आपका 353, ठीक है? ये कर रहे हैं। Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the point 103 to the join of the point 471 and 353. जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी, मतलब ये लाइन की बात कर रहा है वो, ऑब्वियसली वो लाइन की बात करेगा। आधी लाइन नहीं दे रखी तो बनानी पड़ेगी ना, बता तो दिया ना पॉइंट उससे पास कर रहा है बेटा, ट्राई तो कर, उससे पहले पूछने का लॉजिक नहीं बनता बच्चे, एक बार ट्राई तो कर ले। समझ गए? आगे बढ़ो, हुआ या नहीं जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं लगाते।
बहुत टाइम ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगा सकते हम लोग। भव्य सही है बेटा। सर एक मिनट सर बस। अरे अनंत है क्या यहाँ पे? हाँ जी सर वो। अच्छा ठीक है। हाँ सर। सर 5/3, 7/3 एंड 17/3 सही है। तरुण सही है। ये कहाँ गायब है? अंशुल, निकिता, स्नेहा, खुशी, मृत्युंजय, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? स्नेहा तो आई नहीं आज शायद। स्नेहा है क्या? बिल्कुल है। निकिता भी नहीं आई है। आंसर क्यों नहीं दे रहे लड़कियों? ऐसा क्या हो गया? चिराग सोल्यूशन आया क्या बेटा? चिराग आंसर आया। देव शांत क्यों बैठे हुए आप लोग? देखो बेटा ये लाइन अभी वेक्टर फॉर्म से काम चलाएंगे हम लोग ना, ठीक है? वेक्टर फॉर्म बड़ा तेजी से कर देगा। वेक्टर वाले से करके दिखा देता हूँ, फिर कार्टेशियन वाले से भी आप जिसका दिल करे वो कर लेना। तो 1, 0 और 3 ये हमने लिया हुआ इससे, ठीक है? तो अगर मैं इसका वेक्टर लिखना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा वेक्टर? आप ध्यान से देखो, काम बहुत तेजी से होता है। ये जैसे मान लेते हैं आपने लिख दिया सी वेक्टर, है ना? तो मैंने ये लिया सी वेक्टर, ठीक है? तो ये आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब दो पॉइंट दे रखे तो बी माइनस से याद करो ना, याद करो भाई। जब दो पॉइंट होते हैं तो ये इक्वेशन आती है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये इक्वेशन आती है। या फिर आपको याद होगा तो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, ऐसा भी लिखा होता है। ऐसे निकालते हैं, यही कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बताओ, मैं डिटेल में बता दूंगा फिर से। ये फिर से देखो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये तो यही आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपने माना है ए, और बी वाला मतलब वो कहीं भी हो सकता है यार, वो मेरे को इसमें नहीं बता रहा, मैंने लाइन बना दी है उसी से बी और सी का यूज करके। तो बस इसका डॉट प्रोडक्ट लेके जो पैरेलल वेक्टर बन रहा है बी माइनस से, उसके साथ डॉट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में लैम्डा। इस तरीके से निकाला जा सकता है। अच्छा तो लैम्डा निकालने का प्रोसेस वही है, आप इसके अंदर डालोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा भैया इनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेना चाहिए। तो सी कितना है आपके पास बताएंगे? तो सी आ जाएगा आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस कितना है 3k कैप, ये तो है ना आपके पास में, ये दे रखा है 103। तो आई कैप जीरो टाइम्स ऑफ जे कैप, 3 टाइम्स ऑफ के कैप। तो आर कितना आ जाएगा आप देखेंगे, ये आ जाएगा 4i कैप 7j कैप प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए के बारे में बात करेंगे तो 3 - 4 आ जाएगा माइनस i कैप, 5 - 7 आ जाएगा माइनस 2j कैप और 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k कैप, ये आ जाएगा आपके पास में r। तो r को मैं थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखना चाहूंगा तो 4 - λ टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा i कैप, ये आ जाएगा आपके पास में 7 - 2λ टाइम्स ऑफ j कैप और ये आ जाएगा 1 + 2λ टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा k कैप। इसका आप इसके साथ क्या निकालेंगे यार? dr of इस पॉइंट को क्या बोला हमने? इसको p बोल दिया। तो ds of कितना निकाल लेते हैं भैया? pa वेक्टर निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ds of गिवन लाइन। अब ds of गिवन लाइन वो कितना हो जाएगा? ये b माइनस a वाले ds है, उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ करके जीरो निकाल देंगे। तो dr of pa करने का मतलब क्या है? ये जो dr आए हैं, मतलब ये जनरल पॉइंट के dr आए ना लैम्डा की वैल्यू के लिए, तो ये जो dr आए हैं उनमें से इनको सबट्रैक्ट कर दो 1 0 और 3 को। तो 1 को सबट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा 3 - λ टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा i कैप प्लस ये बताइए 7 - 2λ में से जीरो जाएगा तो 7 - 2λ ठीक है j कैप। और इसी तरीके से अगर मैं 1 + 2λ में से क्या निकाल दूंगा? 3 निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? -2 प्लस कितना आ जाएगा 2λ। ये k कैप डॉट प्रोडक्ट हुए, ये b माइनस a के बारे में बात कर रहा है, b माइनस a तो हमने यहीं पे निकाल लिया था -i - 2j + 2k इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा माइनस 2 इनटू 7 माइनस 2 लैम्डा, ये आ जाएगा आपके पास में 2 इनटू माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 14 प्लस 4 लैम्डा ये आ जाएगा माइनस 4, ये आ जाएगा आपके पास में 4 लैम्डा है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा देखो माइनस 7/3 लैम्डा आ जाएगा आपके पास में कितना माइनस 7/3 माइनस क्यों आएगा, ये तो सब नेगेटिव वाली क्वांटिटीज ही है ना, तो ऐड होंगी ना सारी की सारी, कुछ मिस्टेक किया क्या मैं, एक सेकंड में देख लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि मतलब a माइनस b या b माइनस a ठीक है सर चेंज हो जाती है, a माइनस b या b माइनस a की वजह से चेंज हो जाती है यार उसकी वैल्यू ना, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, तो ये देखो ना कितना है 4 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, ये कितना हुआ 8 और ये 9 लैम्डा हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, यस ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, अरे यहां माइनस 2 लैम्डा है सर, क्या बोल रहा हूं माइनस 2, मैं एक बार चेक कर लेना चाह रहा हूं ऊपर वाले में सर माइनस 2 लैम्डा है, ऊपर मैं चेक कर लेता हूं यार, 103 है क्या आपके पास में, 103 है बिल्कुल सही है, ठीक है तो ये हो गया 103 सही है, उसके बाद में a मैंने कंसीडर किया इसको 471 है क्या, 471 है, 353 है करेक्ट है, तो a मेरा 471 है करेक्ट है, b माइनस a अगर मैं करता हूं तो 43 माइनस 4 मैंने लिखा है माइनस 1, 5 माइनस 7 मैंने डाला है माइनस 2 और 3 माइनस 1 डाला है 2 करेक्ट है यार, ये b माइनस a तो ये 4 माइनस लैम्डा करेक्ट है, 7 माइनस 2 लैम्डा करेक्ट है, 1 प्लस 2 लैम्डा करेक्ट है, इसके drs कितने हो गए, अब इसमें से yes, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 माइनस लैम्डा आई क्या, 7 माइनस 2 लैम्डा एज इट इज, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा करेक्ट है, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b माइनस a के साथ में, तो b माइनस a तो यही था माइनस 1 माइनस 2 प्लस नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, अरे 2 टाइम्स हो जाएगा सही तो है, माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 14 4 लैम्डा, ये वाला कितना हो जाएगा माइनस 4 ये 4 लैम्डा, कोई मिस्टेक आपके हिसाब से क्या, अरे प्लस आई कैप नहीं आएगा डॉट के बाद, कौन से के बाद, दैट जो डॉट सी है उसमें, ये डॉट आई इसमें सर प्लस आई कैप, क्यों प्लस आई कैप आएगा, बी माइनस सी लेना, इसका निकाल लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लिया जा रहा है, सही है इसी से निकालेंगे, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, गड़बड़ होगी तो पता चलेगा, सर जो सर जो लास्ट वाला है सर 2 माइनस 2 सर माइनस 2 लैम्डा आएगा सर, यहाँ तो माइनस 4 लिखा है और 2 इंटू 2 4 लैम्डा लिखा है, गलत क्या है, माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 ही तो है, तो ये 9 लैम्डा हुआ, ये कितना हुआ माइनस 3 और ये कितना हुआ माइनस 14 कितना हुआ माइनस 17 प्लस कितना हुआ माइनस 21 तो is equals to 0, तो लैम्डा की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 9, तो यहां से कुछ बना क्या 7/3 तो आ रहा है आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है तो बस इसके अंदर डाल लेते यार, ये अपना पॉइंट होना चाहिए, तो 4 माइनस 7/3 अगर मैं निकालना चाहूं क्योंकि यही पॉइंट तो है, यही पॉइंट तो हुआ आपका 4 माइनस लैम्डा 7 माइनस 2 लैम्डा और ये वाला, यही तो पॉइंट है, तो मैं पॉइंट यूज करूं आपका P पॉइंट कितना है 4 माइनस लैम्डा यहाँ पे 7 माइनस 2 लैम्डा और ये 1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 7/3 डालेंगे, 4 माइनस 7/3 कितना आ गया 7 माइनस 2 इंटू 7/3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 7/3, किसी ने नेगेटिव पॉजिटिव बोला था ना उससे मेरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो पी पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 7 इज 5/3 यहां से कितना हो जाएगा आपके पास में ये कितना आ जाएगा बताइए 1/3 तो ये 21 और ये 14 तो 7/3 आ जाएगा आपके पास में और ये कितना आ जाएगा 14 ये 17/3 करेक्ट है, ठीक है यही तो पॉइंट आ रहा था, हाँ प्लस माइनस उधर चेंज हो जाएगा बी माइनस ए या ए माइनस बी लेने से फर्क आएगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं, वो लैम्डा की वैल्यू से सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि किसी का यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है माइनस 7/4 कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा पॉइंट सेम आ रहा है,
ठीक है। तो एक बार ये पॉइंट आ गया, अब देखो ये पॉइंट आने से मेरे को बड़ा फायदा मिला, क्या देखो ये पॉइंट आ गया तो मैं लेंथ निकाल सकता हूं क्या, तो यस लेंथ निकाली जा सकती है, एपी की लेंथ निकाल दीजिए तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो यहां से ये पी आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ये एपी से ये या पी ए से ये, इसका मैग्नीट्यूड आप ले लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। इसी से इमेज का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो ये इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, इमेज कुछ नहीं होती है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना और इमेज होता है, तो यहां पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ये आपका मिरर, इसका मिड पॉइंट रहेगा। तो ये पॉइंट आपने निकाला ए, ये पॉइंट है आपके पास में पी, तो जो ए डैश है, ए और ए डैश का मिड पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास है। तो अगर आपके पास ये पी पॉइंट निकल के आ गया तो ए पॉइंट आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, ठीक है। तो अगर आपके पास ये आ गया तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए शुरू से सर, हाँ बोलो सर, आपने आर वेक्टर 4 माइनस लैम्डा लिखा है ना? हाँ 4 माइनस लैम्डा, तो सर ये नीचे 3, ये 3 माइनस लैम्डा है, 3 चौक 12 माइनस 7 कितना हुआ, 5 बाय 3 ही तो हुआ। नहीं नहीं सर, मैं दूसरे इस साइड बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इधर जहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट किया है, ये ऊपर ऊपर ये सही, हाँ सही, यहाँ पे 3 माइनस ना, क्योंकि ये तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है लड़के, ये तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए थे तुम्हारे पास में, ये वाले 4 माइनस लैम्डा 7 माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा, वो तो इसके कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे आपने ये r वेक्टर की वैल्यू पुट करी है वैल्यू, हाँ तो r की करते हैं ना यहाँ पे, तो सर आपने यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा लिखा और यहाँ पे 3, तो वो इसलिए, अरे भाई तो तुमने सुना नहीं, ये तो इसके कोऑर्डिनेट आए हैं, डायरेक्शन रेशियोस तो तुमको पीए का चाहिए ना। हाँ सर, तो इसमें से माइनस नहीं करोगे इसको? अच्छा नहीं समझ में आई अभी बात, नहीं आ गई आपकी, हाँ तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4 माइनस लैम्डा, ये 7 माइनस 2 लैम्डा, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 लैम्डा, तो ये हाँ सर 2 लैम्डा, ये तो इसके कोऑर्डिनेट आए हैं, ठीक है। अच्छा। तो तुम बोलोगे कि तुम्हें तो ये पीए के चाहिए ना, हाँ पीए के चाहिए, कट किया मैंने है ना, ये लिखा तो है यहाँ पे, और उसमें से गिवन लाइन के कोऑर्डिनेट मतलब ये बी माइनस ए के जो आ रहा है उनका डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो कर दिया, ठीक है सर, ठीक है। तो अगर यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, मैं इमेज का कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट वीक से, क्योंकि वो एज अ नोट आपके पास होना चाहिए। बोलो भव्य, कुछ और पूछ रहे हो सर? हम ये बोल भाई बोल, पहले तू बोल ले, ठीक भाई तू पूछ ले भाई, अरे बोल ले यार, अब बोल बोलो यार बोल, क्वेश्चन और दे दो सर, ऐसे एक बार दे रहो, हां भव्य बोलो सर, हम ये 11th में स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर करते थे उसमें मतलब उसमें हम सिंपल करते थे ना लड़के, उसमें अलग है 2D और 2D में जो लाइन है वो 3D में प्लेन की तरह एक्ट करेगा। हां मैं वही पूछ, जो पॉइंट है वो लाइन की तरह एक्ट करेगा 3D में। नहीं सर, उसमें जैसे हम रेशियो में इसको पहले रेशियो लेते थे फिर निकालते थे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हां सर इमेज, हां मतलब इमेज पहले रेशियो लेते थे। 2D में दो तरीके होते हैं, जैसे परपेंडिकुलर ये निकाला जाता है हमेशा, ये हो गया ए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और एक हम यही, तो लाइन की इक्वेशन होती है वहां पे जैसे ax plus by plus c is equals to 0, ये पॉइंट है तुम्हारे पास में x1 comma y1, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं या इमेज निकाल लेते हैं, तो इसका इमेज पॉइंट मान लेते हैं, तुमने मान लिया h, k, तुम क्या करते हैं इसका स्लोप निकालते हैं और इसका स्लोप निकालते हैं, तो m1 m2 is equals to -1 लगा देते हैं। हां सर, की वजह से इन दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा वो इसे सेटिस्फाई करेगा, वहां से भी h और k का एक रिलेशन आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इसको और इसके मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके जो आपके पास रिलेशन आएगा उसको, वहां से h और k आ जाएगा, उसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत अच्छा है इसका, जो हम प्लेन में पढ़ेंगे यहाँ पे, y - y1/b इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ आपके पास आ जाता है ax1 + by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये 2 हटा दूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, 2 लगा दूंगा तो डायरेक्ट इमेज आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो ये अभी हम प्लेन में पढ़ेंगे है ना। और किसी को कुछ पूछना है इससे रिगार्ड, इससे रिलेटेड, नहीं तो मैं इमेज का कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको।
नहीं चले तो इमेज नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इमेज ऑफ अ पॉइंट अ लाइन ये लाइन मेरे पास मिरर की तरह एक्ट कर रहा है इस ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है या गिवन पॉइंट है ठीक है ये मेरे पास में क्या है इमेज पॉइंट है ये मेरे पास में क्या लाइन है ये अरे 2D वाली लाइन लिख देता अभी मैं ठीक है ये मेरे पास में लाइन है आप इसे कार्टेशियन में ही ले लीजिए एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए y माइनस वाई टू अपॉन बी जेड माइनस जेड टू अपॉन सी ये गिवन लाइन है ठीक है जो मिरर की तरह एक्ट कर रही है गिवन लाइन तरीका वही है बेटा सबसे पहले दोनों का तरीका सेम ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और उसको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दो जैसे एक पॉइंट में मान के चलो एच के वी ठीक है तो एच प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाय टू वो इस पॉइंट के बराबर हो जाएगा k plus y1 divided by 2 इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर और v plus z1 divided by 2 इसके z कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा पॉइंट e बाद क्या लिखा है पॉइंट e बाद क्या लिखा है पॉइंट के बाद क्या लिखा है यहां पे नहीं ऊपर हेडिंग में विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन wrt वो लिख देते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू ठीक है बड़े आगे दे दो एक क्वेश्चन और क्या बात है सारी जनता दिखाई दे रही है वापस बहुत दिनों बाद डीआर क्या लिखा है बेटा ए के डीआर क्या लिखे ए डैश के एच के वी लिखा है एच कॉमा के कॉमा वी लिखा हुआ है ठीक है एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप सर क्या है एच के वी एच के वी इमेज पॉइंट हुआ ना लड़की जो निकालना है अपने को ये अपने को मिला होगा ये अपने को निकालना होगा ये अपने पास में गिवन लाइन है और तो हम यूज क्या करेंगे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करेंगे नहीं आई बात समझ में जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं इमेज पॉइंट निकालने के लिए बोल देता तो तुम्हारे पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आए थे तो तुम्हारे पास सिंपल कोऑर्डिनेट कितने थे 1, 0 and 3 थे और इमेज कोऑर्डिनेट कितना था तुम्हारे पास में 5/3, 7/3, 17/3 था ना तो बस इसको मान लेते तुम h k और v और यहां से तुम्हारे पास में कितना आ जाता बताओ मिड पॉइंट थ्योरम लगाते h plus 1 divided by 2 is equals to 5/3 हो जाता यहां से h आ जाता k plus 0 divided by 2 is equals to 7/3 आ जाता और v plus 3 divided by 2 is equals to 17/3 आ जाता है यहां से एच के वी आप निकाल सकते थे ठीक है दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एच के वी यहां से निकाला है ना इमेज का बेसिक फंडा यही तो होता है कि यहां से जो भी मिरर होगा ये ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो मिरर से जो इसकी डिस्टेंस है वही इसकी यहां से डिस्टेंस रहेगी पी पॉइंट से ए डैश की डिस्टेंस रहेगी सेम डिस्टेंस पे काम आएगा ठीक है तो उसी चीज को तो हम फॉलो कर रहे हैं तभी तो वो मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करेगा मतलब ये पॉइंट उसका मिड पॉइंट कहलाएगा नहीं समझ में आई क्या बात लड़की विधि डन है दे दो क्वेश्चन टाइम लगा रहे हो बहुत जल्दी मेरा इतना टाइम दे दो अनंत क्या 20-30 किलोमीटर से बोल रहे हो क्या भाई हाँ सर आज दूर बैठा चलो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या फाइंड द लेंथ छोड़ो फाइंड द इमेज मैं बना देता हूं इमेज ऑफ द पॉइंट पी 1, 2, 3 विद रिस्पेक्ट टू द मिरर लाइन एक्स अपॉन 1 वाई प्लस 2
अपॉन कितना हो जाएगा थ्री और जेड माइनस वन अपॉन टू. ठीक है चलिए स्टार्ट हो जाइए. सर ये डब्ल्यू आर टी ओ क्या लिखा आपने विद रेस्पेक्ट टू. जैसे b स्लैश करके w लिख देते हैं ना तो बिट विद हो जाता है ना. सर समझ गया सर समझ गया. ऐसे जल्दी ट्राई करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ाई जाए जल्दी सॉल्व कर दो. जल्दी सॉल्व करो भाई टाइम पास मत करो. Done. अरे मुझे ही नहीं पता भव्य है मुझे निकालना पड़ेगा. आ सकता है भव्य कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी फ्रेम्ड क्वेश्चन है. ठीक है ऐसा मतलब मेरे पास इसका कोई सलूशन नहीं. चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं. ये अपने पास में है लाइन ये अपने पास में है पॉइंट तो पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं. बेटा कितना है तुम्हारे पास में वन टू और थ्री है. इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या है इसको लैम्डा के बराबर कर लिया तो लैम्डा के बराबर करते कितना हो जाएगा आपके पास में क्या आ जाएगा लैम्डा ये थ्री लैम्डा माइनस टू आ जाएगा और ये टू लैम्डा प्लस वन आ जाएगा. ये पी हो गया ये ए हो गया इसके डी आर्स कितने हो जाएंगे. सो डी आर्स हो जाएंगे लैम्डा माइनस वन आई कैप प्लस ये थ्री लैम्डा माइनस टू तो थ्री लैम्डा माइनस फोर जे कैप प्लस टू लैम्डा प्लस वन माइनस थ्री तो टू लैम्डा माइनस टू टू लैम्डा प्लस वन माइनस थ्री तो टू लैम्डा माइनस टू के कैप डॉट प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट विथ कितना आ जाएगा आपके पास में वन थ्री टू तो वन आई कैप थ्री जे कैप टू के कैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जीरो के बराबर. ये आ जाएगा लैम्डा माइनस वन प्लस ये आ जाएगा थ्री लैम्डा माइनस फोर इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में थ्री ये आ जाएगा टू लैम्डा माइनस टू इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में टू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में जीरो तो यह आ जाएगा लैम्डा माइनस वन प्लस यह आ जाएगा नाइन लैम्डा माइनस ट्वेल्व प्लस आ जाएगा फोर लैम्डा माइनस फोर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरो या गया नाइन लैम्डा यह आ जाएगा फोर तो कितना आ गया आपके पास में थर्टीन प्लस वन फोर्टीन लैम्डा यह आ जाएगा वन तो माइनस थर्टीन
माइनस 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 17, तो ये आ गया 17, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 17 बाय 14। कुछ मिस्टेक कर दी क्या, बहुत बार मैसेज आ गया किसी का, हाँ 17 बाय 14 ठीक है। तो लैम्डा आपके पास में ये पॉइंट ये आ गया, बस लैम्डा को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते तो पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 बाय 14, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 17 बाय 14 माइनस 2, और ये आ जाएगा 2 इंटू 17 बाय 14 प्लस 1। देखो यार ये पॉइंट आ गया, एक बार ये पॉइंट आ गया, अब ये आया मेरे पास क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ये मेरे पास आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज क्या आ जाएगा, इमेज काम आसान है भाई, ठीक है ये आपके पास आ गया, ये यहां से आ गया ये वाला पार्ट, तो ये आ गया आपके पास में ए, ये आ गया आपके पास में बी, ये आ गया आपके पास में सी, तो ये है एक्स वन वाई वन जेड वन, ये है आपके पास में कितना है एच के वी, उसका मिड पॉइंट जो है ये मेरे पास आ गया ना, ये पॉइंट ऑलरेडी निकला हुआ है मेरा, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो यार, सीधा सीधा काम हो जाएगा। तो ये अभी अपने पास में कितना है उसको यूज कर लेंगे, तो ये इमेज है इसको हटाओ, ये कितना दे रखा ऑलरेडी 1 2 3 दे रखा है, 1 2 एंड 3, ये है आपके पास में 17 बाय 14। एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना यार, मैं कुछ बोल नहीं रहा इस पे, 17 बाय 14 माइनस में 2, और नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू 17 बाय 14 प्लस 1, तो 2 इंटू 17 बाय 14 प्लस में 1, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 17 बाय 14, ठीक है ये आपके पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना है 3 इंटू 17 बाय 14 माइनस 2, और ये आ जाएगा v प्लस कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 17 बाय 14 प्लस में 1। यहाँ से h k और v की वैल्यू निकाल लो, वो आपके पास में इमेज पॉइंट आ जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ भी पूछना है तो प्लीज बता दीजिए। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर का, यहाँ से निकाल लो इसको सॉल्व कर लो ना, 2 से करा 7 आ गया उधर जाएगा, तो 17 बाय 7 माइनस 1 हो गया तो 10 बाय 7 आंसर आ गया, यहाँ से ये इधर देखो तो ये इससे कटेगा नहीं, 28 है ये 751 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 14 कैंसिल होगा तो नीचे 7 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है प्लस इधर वाले केस में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 14 2 से 2 कटा 7 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ बड़े आगे, यस सर, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार। अब देखो ना यार हाँ जो भी आंसर आएगा ये लो चला प्रीवियस स्लाइड, करें आगे बड़े चलिए। क्या 2D में आपने कभी ये सुना है क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में कभी आपने 2D में सुना था क्या, क्या 2D में आपने नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में कभी सुना क्या, कभी 2D में आपने नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में सुना क्या? नहीं, 2D में या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी, ठीक है, लेकिन 3D में नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, 3D में नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो बेटा देखो आपका रूम बनाते हैं है ना, उस रूम को ध्यान से देखना, अलग अलग प्लेन में अगर लाइन होंगी तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो आपका रूम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। Thank you.
यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं आपके रूम का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन देखो बेटा यहां से पास हो गई ऐसे, ठीक है, और एक लाइन बेटा यहां से पास हो गई ऐसे, तो ये लाइन किस प्लेन में है, इनके नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये बी और डी को कनेक्ट करती हुई लाइन है। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ी सी इधर उधर बन गई है, लेकिन ये लाइन मैं किसको कनेक्ट करके बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सी और ई को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सी और ई को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, अबे यार कोई निशान होता है ना, तो देखो जरा ध्यान से, तो सी और ई को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें तुम ध्यान से देखो यार, ये वाली लाइन कौन से प्लेन में है, इसमें, इस वाले सरफेस पे है, तो यहां पे देखो ये ए बी सी डी, ये इस प्लेन में लाइन है, बी और डी को कनेक्ट कर रही है, और ये लाइन देखेंगे तो बी ई एफ और सी, इसको कनेक्ट करती हुई लाइन है। ये दोनों लाइंस ना कभी एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, ना कभी इंटरसेक्टिंग हो सकती है। अगर आप रूम की बात करें तो हम लोग इस शेयर को स्टॉप करते हैं, मेरा फील आएगा। तो अगर आप रूम में बात करें ना, तो आप ऊपर वाले सरफेस को ऐसे क्रॉस में कनेक्ट कीजिए, ठीक है, जैसे अगर मैं इस रूम के इस कॉर्नर पे बैठा हुआ हूँ जहां पे एक बोर्ड है, तो इसके ऊपर एक कॉर्नर होगा, उसको मैंने सीधा क्रॉस में ऊपर कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले सरफेस से, और वहीं पे एक तो ऐसे कनेक्ट किया मैंने, यहां से ऐसे कनेक्ट किया है, और दूसरा मैंने जो कनेक्शन किया वो ऐसे किया है, मतलब ये वाला तो ऐसे कनेक्ट हो गया, अब उसके बाद में मैं किसी भी दूसरे सरफेस को कंसीडर कर सकता हूँ, हो सकता है राइट, मेरे राइट साइड में जो वॉल अवेलेबल है उसके मैं दोनों कॉर्नर्स को क्रॉस में कनेक्ट कर दूं, कॉमन नहीं करूंगा मैं कभी भी, ठीक है। इस वाले केस में भी आप देखो, मैं यहां पे कॉमन नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं, हो सकता है मैं यहां से पास करने की कोशिश करता तो ये कॉमन हो जाता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस जगह पे आ सकता था, लेकिन मैंने इसको किया ही नहीं, मैंने इधर से पास कराया इसको। तो ये दो लाइंस है, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस है, ऐसी लाइंस को बोला जाता है बेटा स्क्यू लाइंस। क्या बोला जाता है? स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो हम यहां पे 3D में दोनों चीजों, तीन चीजों को देखेंगे, 2D में केवल हम दो ही चीजों को देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस 3D में रहेगा। 2D में हमारे पास दो लाइन रहेगी, एक इंटरसेक्टिंग और एक पैरेलल, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग रहेगी या पैरेलल रहेगी 2D के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बट 3D के हिसाब से लाइन जो है आपकी वो स्क्यू लाइन भी हो सकती है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है, ये स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट है, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस ये यहाँ पे होती हैं। अब बेटा इनके बीच में अपने को निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनके बीच में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो लाइंस कुछ ऐसे बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपको लगे, अब ये लाइन ऐसे जा रही है इसके नीचे से और ये ऊपर से जा रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री, ठीक है, एक लाइन कुछ और है, दूसरी लाइन कुछ और है, एक लाइन की इक्वेशन हम लिख रहे हैं R is equals to A plus lambda B, ठीक है, दोनों ना इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है, ये हो जाएगा C plus lambda D, ठीक है, ये है मेरे पास, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, वो पॉइंट मैंने मान लिया आपका S, मान लिया A वेक्टर, ठीक है, इसके केस में यहाँ पे ये ले लेता हूँ दूसरा, ये कौन सा हो गया मेरे पास T मान लिया, वो कौन सा वेक्टर है C वेक्टर, देखो हमेशा ये पहला वाला होता है जहां से लाइन पास कर रही होती है और दूसरा वाला होता है जिसके पैरेलल होती है, तो इसके पैरेलल कौन वेक्टर हुआ B वेक्टर, इसी तरीके से इसमें ये पॉइंट C वेक्टर हो गया और इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर हुआ
इसके पैरेलल वेक्टर हुआ बेटा कौन सा, बना देते हैं ढंग से, इसके पैरेलल वेक्टर हुआ ये यार, ये अनंत तुम्हारा श्राप लग गया मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरा क्या सर, आप करिए, तुम क्या बोल रहे हो, तुम वैसे मतलब गंदी ड्राइंग है तो हीरो बनने क्या रिक्वायरमेंट है, ये कहना चाहते हो तुम है? नहीं नहीं सर, ऐसा क्या सर, मैं तो कुछ कह ही नहीं आपको, मैंने कहा सर कभी कभी होता सर। चलो तो ये बी है अपने पास, ये अपने पास में क्या है पैरेलल, इसका पैरेलल कौन हो जाएगा बेटा डी, तो इसका पैरेलल हो गया डी, इसका पैरेलल हो गया बी, ये यहां से पास कर रहा है, ये यहां से पास कर रहा है। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, ये ए बी वेक्टर क्या है, ये ए बी वेक्टर बेटा इस लाइन, इसको एल वन बोल रहा हूँ, इसको एल टू बोल रहा हूँ, तो एल वन लाइन पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और ये ए बी वेक्टर है आपका एल टू पे भी रहेगा। तो L1 और L2 के परपेंडिकुलर मतलब AB वेक्टर, ये कैसे निकाला जा सकता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके, किसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर, भाई दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिलेगा ना, तो B क्रॉस D ये अपना वेक्टर हो जाएगा। सोच के बताना, अभी मेरे पास ये A वेक्टर है, ये फिक्स पॉइंट होता है बेटा क्योंकि ये गिवन है, ऐसे यहां पे C वेक्टर है ये भी फिक्स पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सोच के बताइएगा, ये तो रैंडम पॉइंट कनेक्शन है, अब ये कहीं भी हो सकता है, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी कैसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से मैनेज करना, मान लेते एक लाइन ऐसे पास कर रही है, तो मैं ऐसे समझने की कोशिश करो, अरे यार ठीक है, तुम लोग ऐसे समझने की कोशिश करो भाई, ये है तो एक लाइन ऐसे है, ऐसे जा रही है ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां पे आएगी, कि मतलब इनको कनेक्ट करने वाली लाइन, अब ये देखो ना, ये ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, या ऐसे कैसे भी जा सकती है, मेरा कहने का मतलब है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं, मान लेते इन दोनों को ऐसे पकड़ता हूं मैं, तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करूंगा तो शॉर्टेस्ट नहीं आएगा, इसी तरीके से मैं इस पॉइंट को मतलब इधर की तरफ जो पॉइंट है उसको कहीं पे भी रैंडम जगह कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो शॉर्टेस्ट नहीं आएगा। शॉर्टेस्ट आने का मतलब ये है कि आप जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को कनेक्ट करें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब मुझे तो यार ये रैंडम है यार, अब मुझे डायरेक्शन तो मिल गई कि ये जो BD है इससे AB वेक्टर मुझे डायरेक्शन दे सकता है, वेक्टर नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि आप पैरेलल वेक्टर यूज कर रहे हैं यहां पे, पैरेलल वेक्टर यूज कर रहे हैं यहां पे, तो ये जो AB वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी ना, इस डायरेक्शन में अगर आपको वेक्टर मिलेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब AB वेक्टर का AB कैप हो जाएगा AB वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। अब मुझे डायरेक्शन तो मिल गई कि ये दोनों पे परपेंडिकुलर, उसे कौन दे देगा, B क्रॉस D दे देगा आपको, लेकिन वेक्टर कैसे निकालूं, तो बेटा मैं कंपोनेंट निकाल लूं ना इसका। अब ये तो रैंडम कहीं भी कनेक्ट हो सकता है, चांसेस ये भी है कि यही वेक्टर इसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी बन जाए, इस पे भी और इस पे भी इसको कनेक्ट करने वाला वेक्टर वेक्टर, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि भैया यहां पे तुमने कनेक्ट किया है, तो अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो तुम क्या करो, इसका प्रोजेक्शन ले लो किस पे, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन पे। तो जैसे तुम ए बी वेक्टर की डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन लोगे तो वो दे देगा आपको डी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance is equals to projection, projection of ST on AB, बस इतना सा आपको काम करना है कि क्या होता है ST dot AB का cap हो जाएगा, ST dot AB का cap हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ST, मतलब कितना आ जाएगा, ST is C minus A dot product with, क्या ले लिया जाए भाई यहां पे, B cross D upon magnitude of B cross D, इस होल का आप ले लीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मतलब मैं कुल मिला के अगर इसे लिखना चाहूं तो आपको ये बोल सकता हूं कि बॉक्स भी बनाया जा सकता है ना ये, तो बॉक्स C माइनस A B D, ये ऊपर वाले का हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D,
ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार आप ये नहीं करने बैठोगे, है ना, और बाई चांस आप ये डेरिवेशन भूल गए ना तो और तकलीफ खड़ी हो जाएगी आपके सामने। फिर से सुन लो, देखो ये एस और टी कहीं भी कनेक्ट करने वाली लाइन हो सकती है, लेकिन मैं इस परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकाल सकता हूं, मैं ये जो भी कनेक्ट करने वाली लाइन है, आप देखो जो जैसे भी पास कर रही होगी जिस भी प्लेन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही पॉइंट पे आएगी, तो किसी भी पॉइंट से आप उसका जो भी फिक्स दो पॉइंट्स आपके पास है उसका प्रोजेक्शन ले लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और जो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपको यहां से ए बी कैप दे देगा। बस आप इतना सा इस्तेमाल कर दीजिए प्रोजेक्शन ऑफ एस टी ऑन ए बी, आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब जिसको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। सर ए बी पहले से आपने क्या रखा कि शॉर्टेस्ट है उसके प्रोजेक्शन ले रहे हो क्या? सर ए बी पे प्रोजेक्शन क्यों लिया था सर, ये बताओ। ए बी पे प्रोजेक्ट, देखो ए बी तुम्हारा फिक्शनल लाइन है, क्या ए फिक्स पॉइंट है क्या तुम्हारे पास? नहीं, ए फिक्स। क्या बी, कैपिटल बी जो है क्या वो फिक्स पॉइंट है क्या? ए या बी में से कोई भी फिक्स पॉइंट है क्या? नहीं नहीं है। फिक्स क्या है तुम्हारे पास? स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तुम ए बी निकाल किसकी किसकी हेल्प से रहे हो? वेक्टर बी और वेक्टर डी, पर वेक्टर बी और वेक्टर बी का इस लाइन पे एक्चुअल लाइन पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, समझ रहे हो ना, वो तो पैरेलल वेक्टर्स है ना। यस सर। पैरेलल वेक्टर तुमको क्या देंगे? डायरेक्शन ही दे सकते, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दे सकते, तो उसको मैंने yes, तो उसकी डायरेक्शन में बस जो फिक्स वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन ले लो, काम हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और भाई किसका डाउट है पूछो। सर ये STC माइनस A कैसे आया? STC माइनस A तो होगा, ST वेक्टर कितना होता है? T में ये इसमें से भाई इसके इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को घटा दो लड़की। हेलो सर। यस। हाँ एक सेकंड एक सेकंड, इसका डाउट पहले पूरा होना तो बेटा। OT माइनस OS कर देंगे ना लड़की, OT पोजीशन वेक्टर कहीं ओरिजिन से कनेक्ट हो रहा होगा तो C वेक्टर है ना ये, उसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ S निकालेंगे तो A हो जाएगा ना। यस सर आ गया है ना। हाँ भाई बोलो। सर्कल इंस्टीट्यूट कितने बजे आप बोल रहे थे ना सैटरडे को? मैं रहूंगा, पारस सर रहेंगे, कोई ना कोई मैथ्स का फैकल्टी कोई ना। आप कब रहोगे सर ये बताओ? मैं तो रहते हूँ यार, मैं सेवन ये फ्राइडे तक रोज रहता हूँ, सैटरडे को इधर उधर मीटिंग हो जाता है कभी कभी ना, तो फंस जाते हैं कभी इन्वेस्टर्स मिलना कुछ कुछ हो जाता है। चलो ठीक है सर, ठीक है, इसलिए बाकी डेज में देखो मैं रहता हूँ सुबह से। आप अभी भी आप देखो मैं क्लास ही ले रहा हूँ तब से क्लासेस, कुछ अर्जेंसी आती है तो क्लास के लिए घर जाना पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन बाकी डेज में 10:30-11 बजे मतलब आ जाता हूँ मैं। तो सर क्लास खत्म, मतलब इसके आगे कुछ करवाओगे? अब आगे नहीं कराएंगे, कल कराएंगे। ठीक है सर। तो जिसको देखो मेरा कहने का मतलब है सैटरडे